ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਸਲਮਾ ਉਹ ਦਰਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜਦਾ ਹੈ ਵਨ ਕਲਾਸ ਟੂ ਕਲਾਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ ਫਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਟੱਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਛਾਪੇ ਉੜਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ देखती आंखों सुनते कानों को चौधरी असद अमानत अली की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो व्यूअर माशाल्लाह नेक महीना जा रहा है, तो आज हम मौजूद हैं उकाड़ा के नवाई इलाके चक 1AL में। तो यहाँ हमने एक स्कूल का विज़िट किया जो कि हम आपके साथ उस स्कूल का माहौल शेयर करने जा रहे हैं। तो व्यूअर मौजूदा हुकूमत बहुत ही नाकस हुकूमत है, सिर्फ महंगाई ही की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो वो इमरान साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ पैसे खा गया। मैं मानता हूँ पैसे तो खाते हैं, लेकिन वो लगाते भी थे। आप देख सकते हैं कि ये स्कूलों की ये हालात है, स्कूल बंद हैं तो उनकी सफाई सुथराई के लिहाज से करोड़ों लाखों अरबों रुपए की बिल्डिंग नुकसान में जा रही हैं, ज़ाय हो रही हैं, कोई भी उसकी सूरत हाल नहीं है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्कूल की कोई चार दीवारी नहीं है, यहाँ पर स्कूल का बुरा हाल है। तो ये देखने में तो बिल्कुल शमशान लगता है। तो ये स्कूल है, स्कूल की ना कोई चार दीवारी, इतनी गंदगी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखें कूड़ा क्रिकेट तक लोग फेंक रहे हैं। लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं सोचते। ये काफ़ी सारे स्कूल की जगह है जो कि घास वगैरह काश्त किया हुआ है। ये दीवार देखें, इसमें कितने बड़े बड़े सुराख हो रहे हैं। ये स्कूल की हालत आप देखें कि किस तरह ख़राब है। ये देखें, ये तो अंग्रेज़ों के वक्त का स्कूल है, उसके बाद ये देखें इतना बड़ा हॉल, तो बहुत ही सोचने की बात है। और मेन बात यह है कि कोरोना चल रही है, और इस स्कूल के हालात देखें कि स्कूल के साथ कितनी गंदगी है। यहाँ तो अच्छा खासा बंदा बीमार हो जाता है, तो ये तो फिर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इतनी ज़्यादा गंदगी, और स्कूल में थोड़ी सी इमारत के अलावा कोई चार दीवारी नहीं है। स्कूल के अंदर गधे वगैरह लोग बांध जाते हैं, जानवर बांध जाते हैं, और इतनी गंदगी ये स्कूल के गेट के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाता है। तो जब यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके साथ क्या सलूक होता होगा? तो बच्चे तो खुद ही बीमार होंगे ना। तो इस बारे में मेरी अहकाम बाला से अपील है कि यहाँ पर विज़िट करें और इस स्कूल की हालत को बेहतर बनाएं, ताकि यहाँ बच्चे अपनी तलीम का निज़ाम जारी रख सकें। यहाँ तक कि ये देखें, यहाँ गेट तक नहीं है, जिसका दिल करता है यहाँ पे आ जाता है, खेलते हैं, सारे निशाई वगैरह यहाँ पे बैठते हैं। इतना गंदा निज़ाम, बस अल्लाह माफ़ करे। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इनको तो एसी के कमरे लग जाते हैं और घर बैठ जाते हैं, लेकिन इनको ये भी सोचना चाहिए कि इनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पर एसी वगैरह लगे होते हैं, लेकिन यहाँ गरीब के बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ाई होगी? इतनी गंदगी, यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी? तो मेरी हुकूमत से अपील है कि इस बात का नोटिस लिया जाए, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल चक 1AL, और इसकी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाए जाएं। तो अब हम बच्चों से बात करते हैं जो कि स्कूल के रहायशी हैं। आप स्कूल में पढ़ते हैं? कितने टीचर हैं यहाँ पे? छह टीचर हैं। तो ये स्कूल की सफाई सुथराई नहीं करते? कौन करता है? अच्छा, कौन है स्कूल की सफाई कौन करता है? वही सलमा, वो
अच्छा तू केड़ी क्लास च पढ़दा है? वन क्लास, टू क्लास। वन के टू? नाजरीन ये मेरे साथ एक बच्चा खड़ा है, यही स्कूल के अंदर खेल रहे थे ये। हम इस वक्त एक इसी स्कूल के ग्राउंड में खड़े हैं, तो बच्चे से स्कूल के बारे में पूछते हैं। बेटा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। तो बेटा आप इसी चक में रहते हैं? यस। तो आप इसी स्कूल में पढ़ते हैं? यस। तो यहाँ क्या, यहाँ कोई सफाई सुथराई नहीं है, क्या वजह है? पता नहीं सर, आते हैं और कभी सफाई करते हैं, कभी करते ही नहीं, और चार दीवारी भी है, माल मवेशी भी यहाँ पे बांधते हैं। तो ये बात आपकी माशाल्लाह सारी दुनिया देखेगी, अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो क्या पैगाम देंगे? इतने सारे लोग गंदगी फैला रहे ने, साडे स्कूल का कोई निजाम ही नहीं है, लोग आते ने कभी कुछ कर जाते हैं, कभी टप्पे मारते हैं, कई नाल इतने कुहाड़िया नाल कभी छापे उड़ीते हैं, बड़ा कुछ इतने लोग करते हैं। इतने स्कूल का कोई निजाम ही नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई नहीं है, हम मजबूर होकर यहाँ से 2-1L में पढ़ने जाते हैं इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई नहीं है। सही। तो नाज़रीन आपने बच्चों की बातें सुनी, तो बच्चों का कहना है कि हमारे स्कूल की यहाँ पर कोई निगरानी नहीं है, ना कोई पढ़ाई है, लोग मवेशी बांधते हैं। हम हुकूमत से यही अपील करते हैं कि हमारे स्कूल की बेहतरी के लिए कोई इंतजाम किया जाए। तो मैं भी हुकूमत से अपील करूंगा कि ऐसी चीज़ों का नोटिस लिया जाए, यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है, यहाँ का नोटिस लिया जाए और स्कूल की चारदीवारी की जाए, यहाँ उस्तादों की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए ताकि यहाँ के बच्चे तलीम मजारी का रख सकें। शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि कितना ही खुशगवार देहात में माहौल सीनरी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप क्यों डर रही हो, तो बहुत ही खुशगवार मौसम, तो ऐसा नज़ारा बहुत ही प्यारा होता है नज़ारा। ये देखें हर तरफ बहुत ही प्यारा, जबकि हालांकि अभी हरियाली तो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि गंदम की कटाई जो हो गई है, हरियाली कहीं किसी हद तक ख़त्म हो गई है। तो आज बादल बहुत ही ज़्यादा, अल्लाह की लगता है कि रहमत बरसेगी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नज़ारा, ये देखें कितने गहरे बादल ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर आप चलते हैं हम दुकान की तरफ, और आप जो भी आज किया व्लॉग होगा वो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे।